अच्छा होती है तो कैरेक्टर में घुस गई ना, भावनाओं को समझो। मुदित योगी का कैरेक्टर प्ले कर रहा है जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बट वो बदमाश है, वो प्रैंकस्टर है, उसे फुटबॉल खेलना पसंद है, वो एक नॉर्मल गली का लड़का है, उसे अंताक्षरी खेलना पसंद है, मस्ती में रहता है, मज़े में रहता है, फुल ऑन मस्ती, फुल ऑन बबली, एंड वो कभी भी उसके जो रिलेशंस है उसकी मॉम के साथ, उसके जो सिबलिंग्स के साथ, वो बहुत ही अच्छे हैं, सबका लाडला है। सो आई थिंक दैट्स माई वर्जन ऑफ योगी। देखिए, इनका नाम है देवत्तमा और ये परी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। परी काफ़ी बातूनी लड़की है, बहुत ऑल ओवर द प्लेस काइंड ऑफ अ लड़की है, डॉक्टर है, इंटर्न है, आगे चल के डॉक्टर बनेगी, लेकिन बहुत ही बिगड़ी हुई बदमाश लड़की है जो जहाँ जाती है सबको परेशान करती है। जिस घर में रहती है वहाँ उसके लैंडलॉर्ड परेशान है, दोस्तों यारों के साथ पार्टियाँ करना, तो इस टाइप का कैरेक्टर है। काफ़ी मस्त मौला टाइप का इनका किरदार है। काम कंपोज्ड, प्यारी सी, फैमिली लवर, एकदम फैमिली, टिपिकल दिल्ली टाइप की लड़की, एंड बहुत शी लाइक्स टू गार्डनिंग पसंद है, गाना पसंद है, मतलब गाना सुनना पसंद है, म्यूजिक पसंद है उसको बहुत ज़्यादा, एंड ओके। पहले दिन मैं जैसे अभी बैठी हूँ, मतलब आई एम लाइक एवरी टाइम हेलो गुड मॉर्निंग दिस दैट। मैं जब आई थी ऑफिस में, जिस दिन पहले हम मिले थे, ये दोनों अंदर पहले ही बैठे थे, एंड आई वाज लाइक हेलो गुड मॉर्निंग, उधर जाके देखती हूँ सब कुछ चल रहा है, मैं अंदर आके ना मैं चुप हो गई, मैं सोची अच्छा ओके नाउ आई नीड टू बी क्वाइट। फिर हाय हेलो बातचीत हुई, फिर धीरे धीरे बॉन्डिंग में काफ़ी सारी बातें हुई, एंड देन माय फर्स्ट रिएक्शन वाज, मैंने परी को देखा, मैं कहा परी बिल्कुल सही कास्ट हुई है, फिर मैंने गुंजन को देखा, मैं कहा गुंजन बिल्कुल सही कास्ट हुई है, एंड आई वाज लाइक स्पॉट ऑन कास्टिंग। तो मेरी पहली मुलाकात जब इन दोनों से हुई, सो जब मैं मुदित को मिली तो मुझे ऐसा लगा कि ये बिल्कुल मेरे जैसा है, काम कंपोज्ड है। फिर जब मैंने सीन्स की रिहर्सल की तो मुझे से लगा ही इज़ अ वेरी वेरी सपोर्टिंग को एक्टर, और ऐसे एक्टर्स मिलते कम हैं जो इतना सपोर्ट करते हैं। फिर जब मैं परी से मिली, हमने बातें की, तो मुझे लगा कि वो लाइफ में परी की तरह ही है, देवत्तमा, शी इज़ वेरी चर्पी, शी इज़ वेरी फन लविंग, वो एक ऐसी लड़की है जो तो मेरा बेटा क्या दिया तुम लोग, मेरा बेटा लेके बैठ ही गई, सॉरी सॉरी, मुझे मेरा बेटा भी तो चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है, सॉरी अभी टाइम है, हाँ तू पहले मेरा बेटा है ठीक है। तो या तो परी बहुत चर्पी है, सबको हंसाती है, सो दैट्स हाउ दे बोता। आई थिंक दिस आई विल से थैंक यू टू आवर टीम, क्योंकि दे आर ओपन टू आइडियाज़, तो अगर हमें कुछ इम्प्रोवाइज करना हो, हमारे पास में कोई आइडिया हो तो वो शेयर कर सकते हैं, एंड देन वी पुट इट इन आवर सीन, तो बहुत मज़ा आता है शूट करने में। साइन लैंग्वेज के थ्रू अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ रखी है, हमारे डायरेक्टर जो हैं राहिब सर, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, लेकिन राहिब सर उसको हमेशा इस एंगल से भी देखते हैं कि क्या वो नॉर्मल ऑडियंस को समझ में आएगा, अगर वो नहीं आता है तो ही मेक श्योर कि उसको किसी तरह ब्रेक डाउन किया जाए, ताकि वो सेंटेंस का क्या मतलब है, क्या पॉइंट है, वो सिर्फ जिन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी है उनके अलावा जो देख रहे हैं 100 करोड़ लोग उनको भी समझ में आए। सो अक्सर ऐसा होता है, बट इन लोग को ऑब्वियसली इन लोगों ने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है तो दे नो व्हाट आई एम डूइंग, सो ऐसा कभी हुआ नहीं, ये स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती तो शायद इसको नहीं पता होगा। आई एम जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी हम लोगों ने तीनों नहीं आपस में बहुत ज़्यादा सीन शूट करे नहीं है, सो ऐसा भी है। गोलगप्पे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ऐसा लगता है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ऑडियंसिस को ये शो बहुत पसंद आएगा, हमारी फैमिली, हमारी जो भी को एक्टर्स की जो एक बॉन्डिंग है वो बहुत दिखेगी और वो पसंद आएगी। बहुत ही लाइट हार्टेड सिचुएशंस हैं, जोन है, कैरेक्टर्स हैं, सो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट ऑडियंस इज गोना लव इट। आई थिंक कि फैमिली तो ऑफकोर्स, आई थिंक आप सबको योगी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैंने देखा है ना, तो जिस तरह से योगी प्रैंकस्टर है, आई थिंक एवरीबॉडी विल लव इट। प्रोमो में तो अब तक जनरल फीडबैक ऑफ द शो,
जनरल फीडबैक इज़ वेरी अमेजिंग. मतलब आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ मतलब मैसेजेस टेक्स्ट यू कैन से सेइंग द प्रोमो वाज अमेजिंग एंड ऑल द कास्टिंग. मतलब सब वो इतने अच्छे डेवलप कर रहे हैं ना, एंड हमारे जैसे ऑफ स्क्रीन भी बॉन्डिंग है ना वो दिख जाता है कहीं ना कहीं. तो द इंटायर प्रोमो इंटायर कास्ट इंटायर थिंग इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल कि पीपल आर गिविंग गुड फीडबैक अबाउट इट. एंड योगी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब एज वेल एज गुंजन एंड बाकी एवरीवन हूएवर इज Whoever is part of Ishaaro Ishaaro Mein है. जैसे कि मेरी मॉम हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, सुधिया सिंह की बहुत ही अलग सा शो है, काफ़ी अच्छा लग रहा है. एंड ये जेन्यूनली बोल रही हूँ मैं कि दे सेड कि योगी बहुत क्यूट लग रहा है. मेरी फ्रेंड्स ने बोला वो योगी है, तेरा को एक्टर बहुत क्यूट है. तो आई एम लाइक ओके. तो इवन द प्रोमो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड नाइस. मुझे अभी मोस्टली पॉजिटिव रिव्यूज़ ही हैं. देयर हैव बीन सो मेनी प्रोमो जो वी बीन ड्रॉपिंग वन बाय वन. सो द लास्ट वन वाज अ 2.5 मिनट काइंड ऑफ अ स्नीक पीक जिसमें हम लोगों ने शो के काफ़ी एपिसोड्स के सीन्स रिवील किए थे. तो ऑल इन ऑल काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू है. क्यूरियोसिटी तो पहले टीज़र से ही बन गई थी क्योंकि जनरली ऐसा हमारे टेलीविजन पर नहीं दिखता है कुछ. सो सब पॉजिटिव, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव सो फार, फिंगर्स क्रॉस्ड. हाय, मैं हूँ मुदित. हाय, मैं दिव्यतमा. हाय, मैं हूँ सिमरन. प्लीज़ हमारा शो ज़रूर देखिएगा इशारों इशारों में, मंडे टू फ्राइडे 8 बजे 15 जुलाई से. थैंक यू सोनी टीवी पर. सोनी पर.